नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आज आपके सामने टाइम एंड वर्क का चौथा पार्ट लेकर आया हूं। और आप इसके पहले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट हैं उनको भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाएं जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन आए। और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं कोई समस्या हो तो आप इसको कमेंट करके आप भेज सकते हो मुझे। और आपको जहाँ भी किसी भी टॉपिक को अगर आपको पढ़ना हो उस टॉपिक का आप नाम भेज सकते हो, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे हम इसके क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन करते हैं तो इसमें क्या है, आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इन क्वेश्चन में है कि एक दिन छोड़ करके एक दिन काम करना। कई टीचर, कई लोग कई तरीकों से कराते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल एवं आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। आप मेरे मेथड से यदि करते हैं तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप ध्यान रखें और बहुत अच्छे से समझें और साथ साथ में क्वेश्चनों को नोट जरूर करते रहें, जिससे क्या है हमें आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा इसमें कहा गया है ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिनों में करते हैं। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। और यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दोनों व्यक्ति कार्य को प्रारंभ करते हैं और पहले जो व्यक्ति स्टार्ट करता है पहले दिन वो ए स्टार्ट करता है, दूसरे दिन बी आता है, फिर ए आता है। वो ऐसे भी भाषा का यूज कर सकता है, आप इसका जरूर ध्यान दें। अब इसमें कहा गया है कि जो ए है, ए करता है किसी कार्य को 20 दिन में और बी करता है उसी कार्य को 30 दिन में। ये कर सकते हैं तीन दोनों लोग, दोनों का एलसीएम वही हमारा पुराना मेथड। प्रत्येक सवाल में जो मैंने आपको मेथड दिया है, जो कॉन्सेप्ट दिया है, उसी कॉन्सेप्ट के द्वारा सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कोई भी क्वेश्चन इधर का उधर चेंज नहीं होगा। आप ध्यान रखना, यहाँ ये हमें टाइम दिया है, वर्क निकालने के लिए हमें एलसीएम का सहारा लेना पड़ता है तो एलसीएम से वर्क आ जाता है। अब हमें यहाँ रेट निकालनी पड़ती है तो वर्क में टाइम का डिवाइड देते हैं। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियो में, तो पहली वाली वीडियो इसको पूरा देखें समझें। 30 का इसमें डिवाइड दिया तो अगर 20 का देंगे तो 20 देखो टोटल है 60 कुर्सी, मान लेते टोटल 60 कुर्सियाँ हैं और 20 दिन में 60 कुर्सी को बनाता है तो एक दिन में बनाएगा 3 कुर्सी, और 30 दिन में 60 कुर्सियों को बनाता है तो एक दिन में बनाएगा 2 कुर्सी। पहली वीडियो जरूर देखें जिससे क्या हमें पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि एक दिन एक छोड़कर के एक दिन कार्य करते हैं, मतलब पहले दिन ए कार्य करता है, पहले दिन कार्य कौन करता है, ए कार्य करता है। तो देखिएगा पहले दिन ए ने कार्य किया तो ए ने बनाई 3 कुर्सी, कितने दिन में, एक दिन में। तो एक दिन में 3 कुर्सी बनाई, फिर दूसरे दिन आया बी, ए चला गया, दूसरे दिन बी ने 2 कुर्सी बनाई, बनानी कितनी है अपन को 60। आगे हम ये करेंगे ए ने फिर तीसरे दिन आया 3 कुर्सी बनाई, फिर बी आया 2 कुर्सी बनाई, फिर ए आया फिर 3 बनाई, फिर बी आया फिर 2 बनाई, फिर ऐसे बनती जाएंगी तो काफी टाइम लगेगा। तो इसको हम सरल कैसे करेंगे, हमने देखा 3 और 2 5 5 कुर्सी हमारी 2 दिन में बनी, कितने दिन में बनी, 2 दिन में। तो 5 कुर्सी हमारी 2 दिन में बनी, हमको बनाना कितनी कुर्सी है, हमको बनाना है कुर्सी 60। तो 60 कुर्सी बनाना है तो 5 का भाग दे दो 60 में, तो 5 का भाग दिया 60 में तो कितनी बार गया, 12 बार गया, तो 12 5 60। और तो 12 का ही हम इधर को मल्टीप्लाई कर दें तो 12 2 24, मतलब 24 दिन में कितनी कुर्सी बन गई, 60 कुर्सी। 24 दिन में कितनी कुर्सी बन गई, 60। तो इस वाले मेथड को आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। ऊपर वाला मेथड मैंने आपको बता ही दिया है, आप पिछली वाले वीडियो को सारी देखें और उससे आपको बड़ा आसान होगा। ठीक है, तो अगला इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24। तो 24 आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसको करिए। मैं आपको 15 सेकेंड देता हूँ।
करिए इस क्वेश्चन को जल्दी कीजिएगा और कमेंट जरूर करें, जो आंसर आ रहा है उसको कमेंट करें। देखिए कई लोगों के आंसर आ चुके होंगे, कमेंट बॉक्स में भेजिए हमें। देखिए ए, ए है ए किसी कार को 12 दिन में और बी 15 दिन में। यहां तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमें यहां पर तो कुछ सोचना ही नहीं है। एलसीएम बहुत सिंपल, 60 12 पंजे 60 15 चौके 60, दोनों किसी कार को एक दिन छोड़कर के एक दिन कार करते हैं, ठीक है ना। तो एक दिन छोड़कर एक दिन कार करते हैं तो अपन यहाँ कार करवा देते हैं। ए का ए ने बनाई 5 कुर्सी एक दिन में, दूसरे दिन बी आया, बी ने बनाई 4 कुर्सी, दोनों बन गई 9 कुर्सी। कितने दिन लगी? 2 दिन। 9 का इसमें भाग दे दिया, 9 छक्के 54, 54 कुर्सी, 54 कुर्सी कितने दिन में बन गई भाई? 12 दिन में। 12 दिन में कितनी कुर्सी बनी? 54। बनानी कितनी थी? 60। 54 बन गई, 6 बची। तो 6 बची नंबर किसका आएगा? ए का। ए ने एक दिन में बनाई 5 कुर्सी, फिर आएगा बी का, बनानी थी 6 बन गई 5, बची 1। और बी की क्षमता है 4 कुर्सी बनाने की, लेकिन उसको मिली कितनी? 1 कुर्सी। तो 1 कुर्सी मिली तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12 ए रहा, एक दिन दे रहा, तो 12 13 और 13 सही 1/4 आंसर, 13 सही 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा सी। बहुत सिंपल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है। अब इसमें 3 लोग आ गए हैं। ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 12 15 20 दिनों में करते हैं, यदि पहले दिन ए दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी एक कार्य करता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है? तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 12। बी इक्वल हो जाएगा 15 और सी 20। सबसे पहले हमें यही काम करना है, ठीक है ना। जिस तरीके से हमने देखा सुबह जब हम उठते हैं सबसे पहले हम मुंह धोते हैं, इसी तरीके से सबसे पहले ऐसे सवालों में हमें यही काम करना है। एलसीएम लेना है तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तीये 60, ये करना है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं? अब कर एक दिन छोड़ के एक दिन कार पर आया, तो पहले दिन आया ए, ए ने बनाई 5 कुर्सी, ठीक है ना। और फिर दूसरे दिन आया बी, बी ने बनाई 4 कुर्सी, और तीसरे दिन आया सी, सी ने बनाई 3 कुर्सी। अब ये कुर्सी कितनी बन गई? कुर्सी बन गई हमारी 12। 12 कुर्सी को बनाने के लिए कितना टाइम लगा? 12 कुर्सी बनाने के लिए हमें 3 दिन लगे, ठीक है, 3 दिन लगे। अब 12 का इसमें भाग दे दो, 12 पंजे 60, तो 60 कुर्सी को बनाने के लिए हमें कितने दिन लगेंगे? 5 × 3 = 15, हमें दिन लगे कितने? 15। हमारा जो आंसर होगा इस सवाल का वो आंसर होगा 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सवाल को 15 सेकंड में इसका आंसर निकालिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके पिछले वाला जैसे क्वेश्चन किया था वो वैसे ही क्वेश्चन होगा ये। कमेंट जरूर करें सॉल्व करने के बाद। देखिए अब तक आंसर आ चुका होगा, ए बी सी, ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, और सी इसी कार्य को 30 दिन में करता है। एलसीएम आया 60, इसका फिर रेट निकालेंगे तो 15 चौके 60, 20 तीस 60, 30 दूनी 60। अब वो कह रहा है पहले दिन आया ए, तो पहले दिन ए आएगा तो ए ने कितना काम कर लिया भाई? देखिए तो ए ने 4 कुर्सी बनाई, दूसरे दिन बी, बी ने 3 कुर्सी बनाई, तीसरे दिन सी, सी ने 2 कुर्सी बनाई। कुर्सी कितनी बनी? कुर्सी कितनी बनी है? 7, 9 कुर्सी। 9 कुर्सी कितने दिन में बनी? 3 दिन में। अब बनानी कितनी है? 60। इधर भी उतने का ही मल्टीप्लाई करेंगे जितना इतने यहाँ करेंगे, तो 9 का भाग दे दो, 9 × 6 = 54। तो 54 कुर्सी कितने दिन में बनी? 6 × 3 = 18 दिन में। 54 कुर्सी बनानी थी 60, बन गई 54, बची कितनी? 4 कुर्सी।
चार कुर्सी, चार नहीं छह कुर्सी बची, इसको घटाया तो छह कुर्सी बची। तो छह कुर्सियों को बनाने के लिए पहले दिन आएगा, फिर ए ने बनाई चार कुर्सी, अब बची दो कुर्सी, फिर बी आया, बी को मिली दो कुर्सी, उसकी क्षमता है तीन कुर्सी बनाने की, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर होगा 18 और 1 19 19 सही 2/3 19 सही 2/3 ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए आंसर कहाँ है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी किसी कार्य को 30, 40, 60 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य को शुरू करते हैं जिसमें ए हमेशा बी और सी के साथ कार्य करता है और बी और सी ए के साथ एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं। तो पहले दिन ए और बी कार्य करना प्रारंभ करती तो कार्य कब समाप्त होगा? बहुत सिंपल है, इसमें हम क्या करते हैं, ए का दिया गया है, ए ने कहा 30 दिन में कर सकते हैं, बी कह रहा है मैं 40 दिन में कर सकता हूँ और सी कह रहा है 60 दिन में करते हैं। तीनों का हमने एलसीएम लिया, 120 आया, इनकी रेट निकाली, इसकी 3 × 12 इसकी 4 आ गई, इसकी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई। ठीक है ना, आपको कह रहा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करते हैं, ए हमेशा कार्य करता है तो ए तो हमेशा कार्य कर रहा है, एक बार बी के साथ कार्य करता है, एक बार सी के साथ कार्य करता है और एक दिन छोड़ करके कार्य करते हैं। तो ए और बी दोनों कितना काम करते हैं, 7 कुर्सी बनाते हैं। ए और सी कितना काम करते हैं, 4 और 2 6 कुर्सी बनाती है। तो टोटल जो कुर्सी बनी वो हमारी कितनी कुर्सी बनी, 13 कुर्सी बनी, और उधर कितने दिन में बनी, 2 दिन में बनी। तो 13 का भाग हम दे देंगे 120 में, तो 13 का भाग 120 में देंगे तो कितनी बार गया, 13 का भाग 120 में देंगे कितनी बार जा रहा है भाई, 13 का इसमें डिवाइड दिया तो कितना आ जाएगा, 13 × 13 = 117 कितने होते हैं 117। अब 9 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 दूनी कितने हो गए, 18 हो गए। अब इसमें क्या होगा कि 117 कुर्सी 18 दिन में बनी, अब हमें बनाना कितनी है, 120 कुर्सी बनानी है। अब हमारी कुर्सी कितनी बची, 3 कुर्सी हमें और बनानी है। तो नंबर आएगा ए और बी का, ए और बी का नंबर आया तो बनी उसको कितनी कुर्सी बनाना है, 3 कुर्सी। उसे उसकी क्षमता कितनी है ए और बी की, 7 कुर्सी बनाने की, तो 3/7 हो जाएगा। तो हमारा जो इसका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 18 सही 3/7 18 सही 3/7 मतलब ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। साथ में नोट करते रहना, ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप साथ में नोट करें, मेरे साथ में आप भी करिए, मैं भी करता हूं। देखिए, ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। दोनों का, तीनों का एलसीएम आया 120, 24 का भाग दिया 5 बार 3 बार 4 बार। ठीक है ना, पहले 24 का दिया तो 5 बार गया, 40 का दिया 3 बार गया, 30 का गया तो 4 बार गया। बहुत सिंपल। अब कह रहा है ए, उसने कहा ए हमेशा बी और सी के साथ कार्य करता है और बी और सी ए के साथ एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, ए जो ए है, ए और बी पहले दिन कार्य करते हैं तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 8 की। और फिर आ जाता है ए और सी, ठीक है ना, ए और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 9 की, और इनकी संख्या कितनी हो गई, जो होगी 17। मतलब 17 कुर्सी कितने दिन में बन रही है, 2 दिन में, 17 कुर्सी 2 दिन में बन रही है, बननी कितनी है 120 कुर्सी बननी है। तो 17 × 9 = 70 कितने होते हैं भाई, 17 × 70 = 7 × 49 कितने होते हैं 119 मतलब 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ठीक है ना, तो 7 दूनी कितनी हो गई 14, और 14 हो गए तो इधर 119 कुर्सी 14 दिन में बनी, बनानी कितनी थी 20 कुर्सी, बची कितनी 1 कुर्सी। तो ए और बी का नंबर लगा तो 1/8, क्योंकि 8 बनाने की क्षमता है, कुर्सी मिली 1, तो 14 सही 1/8, तो 14 सही 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ए आंसर। करिएगा नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार्य को 10, 20, 30 दिनों में करते हैं, वे एक दिन वो एक कार्य को शुरू करते हैं
ए हमेशा बी और सी के साथ कार्य करता है, जबकि बी सी ए के साथ एक दिन छोड़कर के एक दिन कार्य करते हैं, पहले दिन ए और बी कार्य करता है। तो देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी किया था वैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। 10 बी का कार्य है 20 दिन में, सी का कार्य है 30 दिन में, एलसीएम लिया 60 आया, इसमें इसका भाग दिया तो 6 3 2 आया। अब पहले दिन कौन आएगा भाई, पहले दिन कौन आएगा, पहले दिन आएगा ए, ए आया पहले दिन, ए ने 6 कुर्सी बनाई, नहीं इसमें कौन कौन आएगा, ए बी के साथ कार्य करता है, ए इसके साथ कार्य कर रहा है, बी के साथ कार्य कर रहा है, तो इसमें क्या आएगा, ए और बी आएगा, ठीक है ना। तो ए और बी आएगा तो 9 कुर्सी बनी, फिर बी और सी आएगा, बी और सी नहीं है, ए और सी आएगा, ए और सी आएगा, तो ए और सी, ठीक है। तो 6 और 2 कितनी बन गई, 8, तो 17 कुर्सी दो दिन में बनानी कितनी है, बनानी है 60 कुर्सी, तो 17 को भाग दे दो 60 में, 17 आती है 51, कितनी बार गया 3 बार, तो 51 कुर्सी कितने दिन में बनेंगी, 51 कुर्सी बनेंगी 6 दिन में, बनानी कितनी थी 60 कुर्सी, 51 बनी, बची कितनी 9 कुर्सी, फिर नंबर लगा ए और बी का, 9 कुर्सी बनाता है वो, एक दिन यहाँ लग गया तो 6 दिन ये लगे, एक दिन ये लगा, टोटल दिन हमारे कितने लगे, 7 दिन लगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा उसने कहा ए बी सी किसी कार्य को, देखो सबसे पहले हमारा काम वही है, वही एक काम है हमारा, तो उसको हमें सबसे पहले करना चाहिए, ठीक है ना। तो 10 20 कुछ नहीं सोचे हम, सीधा सीधा एलसीएम निकाल करके ये काम तो हम कर ही लें, एलसीएम निकाल करके ये वाला काम कर ही लें हम, 60 ठीक है, 6 3 2 ठीक। अब उसने कहा जिसमें ए प्रत्येक दिन कार्य करता है, तीसरे दिन ए के साथ बी और सी दिया जाता है, यहाँ एक मजे की बात यह है कि यहाँ वो कह रहा है ए प्रत्येक दिन कार्य करता है, जो ए है वो प्रत्येक दिन कार्य करता है, मतलब ए ए ए ए ए ये प्रत्येक दिन कार्य कर रहा है, वो कह रहा है ए ने बनाई 6 कुर्सी, फिर ए ने बनाई 6 कुर्सी पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरे दिन में, उसने क्या बोला, तीसरे दिन में ए के साथ बी और सी भी आ जाते हैं, तो बी और सी आ गए, तो बी और सी भी आ गए, ठीक है। तो जी कितना हो जाएगा, 6 6 3 9 10 11 कितना हो गया, ये 11, मतलब तीसरे दिन कुर्सी कितनी बन रही है, 11, ठीक है ना। पहले दिन 6 बनाई ए ने, दूसरे दिन 6 बनाई ए ने, तीसरे दिन ए बी सी ने 11 बनाई। अब 3 दिन में बनी कितनी कुर्सी, 3 दिन में कुर्सी कितनी बनी, ये बन गई 11 11 2 22 और 23 कुर्सी बनी, 3 दिन में कितनी कुर्सी बनी, 23। बनानी कितनी थी भाई, बनानी थी हमें 60 कुर्सी, तो 60 कुर्सी बनानी थी, 23 बन गई, तो 23 में मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो 23 में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 23 दूनी कितने हो गए भाई, 46, और इधर कितना हो जाएगा, 6 दिन में कितनी कुर्सी बनी, 46 मतलब 46 कुर्सी बन गई, बची कितनी कुर्सी, 14 कुर्सी, तो 14 कुर्सी को कौन बनाएगा, तो सबसे पहले ए आया, ए ने बनाई 6 कुर्सी, फिर ए आया, ए ने बनाई 6 कुर्सी, फिर ए बी और सी आया, फिर इसने इसकी क्षमता कितनी, 11 कुर्सी बनाने की, अब 6 और 6 12 बनानी थी 14, बची कितनी 2, अब देखिए 6 दिन ये लगे, 7 8 और 8 सही 2/11 दिन, हमारा आंसर आएगा 8 सही 2/11 दिन। अब इसमें ऑप्शन नंबर देखेंगे कहाँ है, है ही नहीं, यहाँ 3 लिखा हुआ है, होना कितना चाहिए था 2, अब इसमें एक ऑप्शन दे दिया, नन ऑफ दी, ये बहुत देखना कभी कभी इस पर ध्यान नहीं देते बच्चे, 2/3 11 आंसर आ रहा है, वो उठा करके 3/11 लगा देंगे जल्दबाजी, इसका बड़ा ध्यान दें, इसका आंसर हम सीधा क्या लगाएंगे, नन ऑफ दीज लगाएंगे, क्योंकि हमारा आंसर ये आया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है ए बी सी किसी का, ये तो पहले ही कर लो, ये काम तो हमें सबसे पहले करना है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, ए बराबर 12, बी बराबर 15 और सी बराबर 20, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आया 60,
बारह पंजे साठ, पंद्रह चौके साठ, बीस तीये साठ। अब वो कह रहा है कि बी प्रत्येक दिन कार्य करता है और ए और सी के एक दिन छोड़कर के एक दिन कार्य करता है, बी के साथ कार्य करता है तो कार्य कब समाप्त होगा। ठीक है, मुझे कह रहा है अब पहले करता था कौन कार्य, ए करता था, ए करता था बी और सी के साथ काम। अब वो कह रहा है कि बी कर रहा है डेली काम, तो बी कर रहा है डेली काम तो बी प्लस पहले दिन ए आएगा बी के साथ में, पहले दिन कौन आएगा भाई, ए आएगा बी के साथ, फिर दूसरे दिन बी के साथ कौन आएगा, सी आएगा। अब देखिए ए और बी ये कितनी कुर्सी बनी, नौ कुर्सी, बी और सी की ये कितनी बनी, सात कुर्सी, मतलब दो दिन में कुर्सी कितनी बन गई, आठ आठ दिन सोलह, सोलह कुर्सी बन गई दो दिन में, दो दिन में कितनी कुर्सी बनी सोलह, और हमें बनानी कितनी थी, हमें बनानी थी सात, तो सोलह का भाग दे दो साठ में, ज्यादा नहीं हो तो सोलह की अड़तालीस, तो सोलह का गुणा किया तीन में, गुणा किया तीन में तो तीन दूनी हो गई छः, और सोलह की हो गए अड़तालीस, तो अड़तालीस हो गए, तो अड़तालीस उसमें माइनस किया, यहाँ बचा कितना बारह। अब बारह कुर्सियों को बनाएंगे तो पहले फिर पहले दिन कौन आ जाएगा, बी और ए आ जाएगा, इन्होंने क्षमता है नौ कुर्सी बनाने की, फिर भी कितनी कुर्सी बन चुकी तीन, फिर कौन आएगा बी और सी आएगा, बी सी आया तो तीन कुर्सी मिली, बनाते कितनी है सात कुर्सी, तो छह दिन ये लगे, एक दिन ये लगा और तीन बटे सात दिन ये लगा, तो जो हो जाएगा सात सही तीन बटे सात आंसर, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा हाँ, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करो, कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता रहे कि आप कितने पॉजिटिव हैं, आपको ये वीडियो कितनी समझ में आ रही है, वो सब चीज़ बताएं आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके पास प्रत्येक नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक, इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, धन्यवाद।